आईपीएल 2021 से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने एक बड़ा दांव चलाया। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड करके रॉबिन उथप्पा को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में शामिल किया है। लेकिन धोनी के इस फैसले से हर कोई हैरान है। कई लोगों का यह सोचना है कि आईपीएल 2020 में रॉबिन उथप्पा का प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी चेन्नई ने यह कदम क्यों उठाया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर चेन्नई ने सभी को चौंकाते हुए रॉबिन उथप्पा को सीएसके की टीम में आखिर क्यों शामिल किया है। आईपीएल के 14वें सीजन के लिए ट्रेड विंडो 4 फरवरी तक चलेगी। इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स से रॉबिन उथप्पा को कैश डील में खरीद लिया है। रॉबिन उथप्पा महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेलते हुए दिखाई देंगे। आईपीएल का 13वां सीजन कोरोना की वजह से यूएई में खेला गया था। इस सीजन में 35 साल के उथप्पा ने 12 मैच खेलकर 16.33 की औसत से 196 रन बनाए थे। भले ही आईपीएल 2020 में रॉबिन उथप्पा का प्रदर्शन अच्छा ना रहा हो, लेकिन अगर ओवरऑल आईपीएल की बात करें तो इस लीग में अभी तक रॉबिन उथप्पा ने 189 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 4607 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 24 अर्धशतक भी जड़े हैं। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉबिन उथप्पा के कैश डील में ट्रेड की जानकारी अपने ट्विटर पर दी। पिछले सीजन में रॉबिन उथप्पा को राजस्थान रॉयल्स ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा था। रॉबिन उथप्पा उससे पहले मुंबई इंडियंस, आरसीबी, पुणे वॉरियर्स और केकेआर के लिए खेल चुके हैं। 2014 में रॉबिन उथप्पा ऑरेंज कैप भी हासिल कर चुके हैं। उस टूर्नामेंट में उन्होंने केकेआर की तरफ से खेलते हुए 660 रन बनाए थे और केकेआर को दूसरा खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि पिछले 2 सीजन में उनका प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने 2019 में 115.1 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 282 रन बनाए थे और उसके बाद केकेआर की टीम ने उन्हें अपनी टीम से रिलीज कर दिया था। इसके बाद 2020 में रॉबिन उथप्पा राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से खेले और उन्होंने 12 मैचों में सिर्फ 196 रन बनाए। रॉबिन उथप्पा 2007 T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम के भी सदस्य रह चुके हैं। इस ट्रेड डील के बाद रॉबिन उथप्पा ने कहा, राजस्थान रॉयल्स के साथ रहते हुए मैंने खेल को काफी इंजॉय किया। इस फ्रेंचाइजी के साथ मेरा समय काफी अच्छा बीता। अब मेरी क्रिकेट जर्नी सीएसके के साथ शुरू हो रही है। आईपीएल 2021 को लेकर काफी उत्साहित हूं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले शेन वॉटसन ने संन्यास ले लिया है और मुरली विजय को टीम ने रिलीज कर दिया है। ऐसे में नए ओपनर के तौर पर अब सीएसके ने रॉबिन उथप्पा को टीम में शामिल किया है।